हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस रेसिपी। तो ये जो मसाला इडली है, ये मसाला इडली जो है ये आपके वेट लॉस रेसिपी में भी आएगी, क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। आप सिंपल इडली भी बना सकते हो, उसका भी सेम प्रोसीजर रहता है, बस थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैंने एक सूजी का पैकेट ले लिया है, जो 500 ग्राम वाला आता है, आधी किलो वाला वो ले लिया है पूरा। और फिर मैंने दही के वो 150-150 ग्राम वाले जो आते हैं, तो 150-150 ग्राम के दो पैकेट को पूरा ले लिया है। पानी डाला है इसमें ताकि जो मिक्सचर है उसे अच्छे से मिक्स हो सके, पूरे इसमें लम्स ना रह जाएं, इसलिए मैं इसे अपने हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। फिर इसमें मैंने इतना खाना सोडा डाला है, 1/4 चम्मच आप मान लीजिए, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। मैंने एक बड़ी चम्मच डाला है, और आप जितना नमक खाते हो उस हिसाब से टेस्ट करते करते डाल लीजिएगा। बैटर की थिकनेस कुछ ऐसी होनी चाहिए, मुझे थोड़ा ये ज़्यादा वो लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दिया था। बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये परफेक्ट थिकनेस है, ये इतना रहना चाहिए। उसके बाद मैंने मसाला इडली बना रही हूँ, तो प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से धो लिया। आपके पास जितनी वेजिटेबल है आप उनको ले लीजिए और अच्छे से कटिंग कर लीजिए वेजिटेबल्स की, और उसके बाद इसको सोटे कर लीजिए। अब मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और मैं अपना बता दे रही हूँ, कई लोग क्या करते हैं वेजिटेबल के लिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालते हैं। देखिए मैंने सिर्फ इतना ही, टोटल इतना ही ऑयल था, बस पूरे इडली में केवल इतना ही ऑयल लगा है, तो मैंने ये ऑयल डाला है इसमें। कई लोग क्या करते हैं कि वो बिना ऑयल डाले, आप जो वो वाले नॉनस्टिक वाली कढ़ाई वगैरह होती है ना, या तवा होता है, तो उस पर आप इसे रोस्ट भी करते हो अपने वेजिटेबल को, वो भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा ये ऐसा अच्छा लगता है। तो कढ़ाई में तेल, सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ, और मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप नॉर्मली भी, और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दिक्कत है या वेट लॉस करना है, तो आप ना सारे ऑयल जो मार्केट में आ रहे हैं, फॉर्च्यून रिफाइंड, वो सब बंद करिए, केवल सरसों का तेल खाइए या फिर देसी घी खाइए। अब देसी घी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा हर चीज़ में, तो उसके लिए सरसों का तेल बेस्ट रहता है। तो अब ये सरसों के तेल आपने देख लिया था, उस पर मैंने सरसों जो राई होती है वो डाली है, और जो मेरी सब्जियाँ हैं वो डाल दी। अब मैंने इसमें थोड़ी हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा, अगर यहाँ पर आपके पास मैगी मसाला है तो आप मैगी मसाला डाल दीजिए, पेरी पेरी मसाला है, पेरी जो मतलब आपके पास मसाला है, जो कुछ भी मसाला हो, पाव भाजी, किचन किंग, वट एवर, आप सब डाल सकते हो, उससे स्वाद और इन्हेंस हो जाएगा। बट मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने सिंपल नमक, मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया है, और इस हिसाब से मेरा ये जो है बन के तैयार हो गया मसाला। और इसको ना बिल्कुल गलाना नहीं है कि बहुत ज़्यादा गला लो, हल्का सा मतलब रहना बिल्कुल, वरना प्याज जो है अगर पूरी तरीके से भून जाते हैं तो पिचक जाते हैं, तो फिर इतना ही करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये इडली स्टैंड है, तो इस इडली स्टैंड में मैं पानी भर के स्टीम होने के लिए रख दूँगी। अब क्या है कि आज सडन प्रोग्राम बना ऐसा कि मैं इडली बनाऊँ, तो मेरे पास ना सांभर बनाने के लिए सब्जियाँ भी नहीं थी, सामान भी नहीं था, बट दोपहर में दाल बनी थी मेरे यहाँ, तो मैंने क्या किया, ये जो मिक्सर है इस मिक्सर को रखा है, इसी में मैंने सोचा थोड़ा सा बचा लूँगी, और जो दाल है उसको इसी में पानी डाल के पलट दूँगी। तो उससे पहले चलिए हम क्या करते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं। सब सेट भी, इतना भरना पानी पीने वाले इसलिए भरती हूँ क्योंकि आखिर इसी से स्टीम होंगे ना, तो कीटाणु नहीं आने चाहिए। भाई आरो लगवाओ, साफ पानी पियो, इसके साथ कोई दगाबाजी नहीं। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल बाल्टी हो, ऐसी लग रही है बाल्टी। जो ये स्टीम होने के लिए इस इडली के बर्तन में पानी भर दिया, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, बाद में मैंने इसे कम किया, तो फिर वो बॉयल हो गया था, मैंने उस टाइम देखा कि अरे ये तो ज़्यादा है, तो मैंने उसी पानी को गर्म कर कप में निकाल लिया था, और बाद में दिखाऊंगी, वो मैंने पी भी लिया था। तो अभी मैंने इसे स्टीम होने के लिए रख लिया, अब हम यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गैस मैं अभी थोड़ी देर में ऑफ कर दूँ, मुझे इतना ही चाहिए मिक्सर, और इसमें जितना आप मसाला डालोगे ना बहुत अच्छा लगेगा। आप देखो नीचे मैं ऑलरेडी बताना चाहती थी, बट क्योंकि आपको दिखाना था इसलिए मैं चोट वीडियो बाद में बना रही हूँ, उसके मैं ऐसे करके दिखा रही थी। आप देखो मैंने पहले ही लिया था, क्योंकि अभी मैंने वो नहीं लिया है, क्या मैं पूरा वो करने के लिए, मतलब मेरे पास
मैंने वो एक मंगाया था ट्राइपॉड, लेकिन वो ना टूटा हुआ आया था। और जब मैंने अपने इधर माइके वाले एड्रेस पे मंगाया था, और जब तक मैं आई थी तो उसका एक्सचेंज वो वाला रिटर्न वाला खत्म हो गया था प्रोसीजर, तो किसी ने चेक ही नहीं किया यार, वो टूटा था। अब वो मेरे पास रखा हुआ है बट वो किसी यूज़ का नहीं है। अब मेरे हस्बैंड ने नया मंगा लिया, अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी, उस पर अच्छे से वीडियो बन जाया करेगी। तो फिलहाल ये है कि अभी मैंने ये मसाला जो है कर लिया, तो इसलिए थोड़ा अभी ना वीडियो को, क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं है यार, मैं ही करती हूँ जो कुछ करती हूँ, तो किसे अब क्या ही कर सकते हैं, फिर तो ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए ठीक है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ यहाँ पे। और अगर हाँ ये चीज़ है ना, ये अगर आप मसाला इडली बना रहे हो तो आपको ये मिक्सर बनाना है, अगर आप नहीं बना रहे हो तो जो बैटर हमने बना कर रखा है ना उसको आधे घंटे रखना है बस। उसके बाद अभी ये ऑयलिंग कर रही हूँ, मेरे यहाँ पर जो बर्तन होंगे आपके जो भी इडली वाले हैं, अगर इडली वाला सांचा नहीं है आपके पास, मतलब ये जो बर्तन नहीं है, इडली स्टैंड तो ऑब्वियसली बात है होना ज़रूरी ही है, वैसे मैं तो टिफ़िन में भी बना लेती थी जब ये नहीं था, बट अगर किसी को ऐसे शेप में खाना है तो फिर ऐसे, तो आप एक काम कर सकते हो, जो खाली इडली का स्टैंड आता है उसे कुकर में रख के, या फिर जो बड़ा भगोना होता है जिसमें इडली स्टैंड बन जाए, ऊपर से प्लेट रखे, तो भगोने वगैरह में भी मेरे वहाँ पर ये मैंने इडली स्टैंड नहीं ले रखा, तो वहाँ पर तो मेरा सिल्वर का भगोना है उसमें स्टैंड रख के मैं बनाती हूँ, बहुत ईजी है। कभी आपको मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ पर भी दिखाऊँगी कि अगर किसी के पास स्टीमर नहीं है तो वो भी घर पर ईजिली इडली बना सकते हैं। तो ये इस हिसाब से सबको ग्रीसिंग कर लेनी, ये छोड़ना नहीं है। और ये जब आप इसमें फिल कर रहे हो उस समय इडली स्टैंड गीला भी नहीं होना चाहिए, वरना जो आपकी जब इडली फूलेगी ना तो ईजिली निकल के नहीं आएगी। अब आप देखो मेरा बैटर है ना पूरी तरीके से सूजी जो है वो फूल गई और अच्छे से हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि ये जो दो इनो के पैकेट है ना, ये जब आप मतलब बैटर जब आप बिल्कुल उसमें बर्तन में निकालने वाले हो ना उस समय इनो डालना है। तो मसाला मेरा हो गया, अब ये वाला ऑप्शनल है, अगर आप मसाला इडली बनाओगे तो फिर आप ऐसा करना कि ये मिक्सर बना के इसमें डालना, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, मसाला इडली नहीं बना रहे हो तो मिक्सर मत डालना। और ये जो मेरी दोपहर की दाल रखी हुई थी वो इतना सा मसाला मैंने छोड़ा, उसमें ये डाल दिया और उसमें मैंने पानी बढ़ा दिया, इसी में आप सांभर मसाला वगैरह जो कुछ भी ऐड करना है कर दो तो आपका काम चल जाएगा। और अगर आप प्लेन इडली बना रहे हो तो सांभर के साथ ईजिली खा सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी एक चटनी रखी हुई थी तो वो भी थी, अगर प्लेन इडली किसी को खानी हो तो। अब ये मसाला इडली के लिए, क्योंकि मैं स्पेसिफिक वही बना रही हूँ, तो इससे पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बैटर में अच्छे से सारा मसाला, जब पूरी तरह से घुल जाएगा उसके बाद, जब आप बिल्कुल ही अब आपको लगे कि हाँ अब आप प्लेट में निकालने वाले हो पकने के लिए, तब आप उसमें इनो डालना। और इनो डालने के बाद ना एंटी क्लॉक मत जाना, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एक ही जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हो ना एक ही डायरेक्शन में उसको मिक्स करना। ये चीज़ अब मैं रीज़न भूल गई हूँ इसका क्या होता है, बट हाँ ऐसा होता है। अब आप देखिए मैं इस डायरेक्शन में घुमा रही हूँ ना तो इसी डायरेक्शन में घुमाऊँगी। अब मैंने क्या किया, ग्रीसिंग तो पहले ही कर ली थी प्लेट्स की, अब उसमें मैंने ऐसे फिल कर दिया है। अब ये देख रहे हो देसी जुगाड़ू, इसका हैंडल निकल गया है तो मैंने ये कर लिया। अब देखिए ये मैंने ऑलरेडी इसमें रख दिए हैं जो प्लेटें हैं, अब ये सांचे में रख दिया। अब मैंने इसको बंद कर दिया, अभी आराम से स्टीम हो जाएगी। अब क्योंकि मुझे अंदाज़ा है तो मैं 5-10 मिनट बाद देखती हूँ तो ऑलरेडी बनी जाती हैं, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, 5 मिनट में भी देखोगे आप या 10 मिनट में तो वो फूल जाएंगी एकदम से। तो बीच में आपको क्या करना है, स्पून डाल के चेक करना है, अगर स्पून डाल के वो आपकी स्पून में नहीं चिपक रही है इडली तो वो नहीं बन गई है, और अगर चिपक रही है तो फिर नहीं बनी। अब मैं ये चीज़ दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे ऑलरेडी आइडिया है तो इस वजह से मैंने किया नहीं। अब क्योंकि मैं अब आप देख रहे हो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी मेरा वेट बढ़ ही रहा था क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी तो मैं पूरे टाइम बेड रेस्ट पे थी। उसके बाद अभी भी डॉक्टर ने मना कर दिया था, बट मीठे की क्रेविंग हो रही थी, मैंने मिठाई आधी खाई और फिर उसके बाद गर्म पानी पी लिया जो स्टीमर से निकला था। और अब देख सकते हो आप कितनी अच्छी मोटी मोटी सी इडली बन गई है, बहुत टेस्टी भी थी ये। तो अब पहले मैंने निकाल लेती हूँ, तो कैमरा भी पकड़ना है फिर निकालना भी है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब इसे आराम से आप निकाल सकते हो, यही इसीलिए ग्रीसिंग करते हैं क्योंकि जैसे फिर भी देखो कहीं ना कहीं ऑयल थोड़ा बहुत कम रह गया होगा तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो चिपक ही जाती है नीचे, अच्छे से अगर आप ग्रीसिंग कर रहे हो तो नहीं चिपकेगी। अब मैं दोबारा इसमें फिल करने के लिए ऑयल लगा रही हूँ, और मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा बेटा रो के दिखा रहा है कि मम्मा मेरी आवाज़ के बिना कैसे आप वॉइस ओवर कर सकती हो।
तो आप देख सकते हो आप, मैं वापस सांचो में भर रही हूँ जो बैटर था मेरा, और वापस उसको रीफिल करके स्टीमर में रख रही हूँ। स्टीमर को उसके तब तक के लिए मैंने खोला ही रख दिया था, वैसे आप चाहो तो वापस ढक सकते हो। और स्टीमर में पानी भी चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि पानी उसमें कम हो जाए। मैंने चेक कर लिया था, मेरे स्टीमर में काफ़ी सारा पानी था तो इसलिए। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप इडली फिल करो ना तो बिल्कुल कंजूसी मत करना, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बैटर फिल करना तभी वो भरती है। अगर कम बैटर करो तो फिर वो फूलती नहीं है, टेस्ट सेम रहेगा बट फूलेगी नहीं, स्पंजी जो हो जाती है उसका टेस्ट मतलब थोड़ा फील अलग आ जाता है, वो चीज़ है। अब चलिए हम प्लेट लगा देते हैं। इडली रख दी है जो सांभर बनाया वो, उसके ऊपर थोड़ा सा मूंगफली वाला मसाला मैंने इकट्ठा कर रखा है वो, और एक सब्जी मैंने बनाई थी जंगली करेले की, तो वो मतलब वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखी है, वो बहुत बहुत यम्मी थी, तो उसकी वीडियो भी डालूंगी मैं आपके लिए। तब तक देखिए कौन आ रहा है हमारे पास। कौन वापिस आ गया? वापिस कौन आ गया? शोके कौन उठ गया? मांझी के पास से वापिस आ गए? चौके उत... अच्छा नहीं देखना वीडियो में, कामला नहीं देखना, मेरे बाबू को देख लो। ओले आप पापा जैसे हो, आपको वीडियो पसंद नहीं है? देखो देखो देखो, ये सुंदर बाबू मेरा है, अम्मा तो सुंदर नहीं है, ये बाबू सुंदर था मेरा है। अब क्योंकि शिव रोने लगा तो फिर मुझे उसका दूध भी देना था, तो बॉटल को मैं क्या करती हूँ, वैसे तो पूरा बॉयल करती हूँ, बट जब कम टाइम होता है तो मैं क्या करती हूँ, पानी को अच्छे से खोलने रख देती हूँ, पानी से बॉटल को साफ़ करती हूँ, और फिर गर्म पानी, इसमें जो खोला हुआ पानी होता है इसे इसमें डाल के उसे बॉटल को हिला हिला के साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो सारे कोनों में जर्म्स हों या फिर जो भी ऑयल के थोड़े से रेसिपेंट रह जाते हैं वो सब धुल जाते हैं उससे, और जो खोलते हुए पानी से ना सारे जर्म्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और जो भी हम लोगों का ये है कि बॉटल और बच्चे की साबुन वगैरह से तो ज़्यादा साफ़ करते नहीं है, तो बॉयल ही करते हैं, तो इसलिए स्टरलाइज़ करने के लिए ये करना पड़ता है। तो ऐसा करके फिर मैं शिव को देखना था मुझे, और मैं पूरे बेहाल बेहाल हो गई थी, क्योंकि इससे पहले सब्जी बनाई फिर बैक टू बैक इडली बनाई, और बनाया इसलिए क्योंकि अब मैं जा रही हूँ अपने यहाँ, तो कम से कम पूरे इतने महीने इंतज़ार किया है, तो कम से कम थोड़ा इनको कुछ ऐसा खिला के जाऊँगी ये लोग मुझे याद करें कि हाँ भाई दिशा ने कुछ तो स्पेशल दिया। तो अब शिव रो रहा है तो उसका दूध लेकर जाएंगे उसके पास, देखते हैं वो क्या करवा रहा है नानी के पास। इसके बाद मैंने सबको मसाला इडली सर्व की, सबको बहुत अच्छी लगी। और ये जो चटनी थी मैं बता दी, मैं ये चटनी बहुत अच्छी बनाती हूँ, मोमोज़ के साथ बनाती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले मोमोज़ बनाए थे तो बहुत ही अम्मी चटनी थी, तो उसके साथ हमने खाया, मज़ा आ गया। और शिव इसको देख के इतना रो रहा था, उसको भी खाना था। फ्रेंड्स, मेरी मम्मा के चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, समझे? तुम लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया करो भाई। मेरी मम्मा ने कितनी प्यारी रेसिपी बनाई है, मैं तो रो भी रहा था खाने के लिए, मम्मा ने मुझे खिलाई भी नहीं, यहाँ तक कि खाने के लिए तो मैं पलट भी गया। चलो अच्छा है मेरी निंजा टेक्निक काम आई, आखिरकार नानी ने तो मुझे इडली खिलाई, मुझे तो मिर्ची लग गई। अरे पापा ये कैची इडली है। तो फ्रेंड्स, जो हाथ से खाने का मज़ा है वो मैं बता नहीं सकती, आप भी ज़रूर इडली बनाएं और ऐसी तीखी सी चटनी के साथ और सांभर के साथ खाएं, और उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने आए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके लिए अपने बेटे का छोटा सा क्लिप लगाया है, प्लीज़ उसे प्यार दीजिएगा।